फ्रेंड्स, वेलकम टू रूनास क्रिएटिव गार्डनिंग चैनल। विचार तो ये था कि फरवरी में फूल का पौधा लें, नर्सरी जाके मैंने विचार ही बदल दिया। विंटर में फूल के पौधे पर इन्वेस्ट करना अभी मुझे व्यर्थ लगा, इसीलिए कुछ परमानेंट प्लांट्स खरीद कर ले आई हूँ। अभी नर्सरी में जाके खरीदा है, ये इतना अच्छा सस्ता मिला है और ये विद इन 200 रुपीज मुझे मिल गया नर्सरी में। आई शोड यू दैट नर्सरी फुटेज, तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया एक प्लांट मिला है सिमिलर। और ये फेनिडेल्ड्रॉन भी मुझे करीबन 100 रुपया में मिल गया है। और मैंने ये चाइना पाम मिला है मुझे नर्सरी से, अच्छे कंडीशन में मिला है। ये ड्रेसीना मुझे मिला है, ये फर्न कारगिस, और ये अगेन ये ड्रेसीना। इसके पत्ते इतने सुंदर है, जस्ट हैव अ लुक एट द लीव्स। ये थोड़ा सा लाल है और पर्पल टू एन एक्सटेंड है, लेकिन लाल लाल लीव्स बहुत सुंदर लगता है। जब धूप में ये चमकते हैं तो और सुंदर लगता है। तो ये बहुत दिन से मुझे मन था कि मैं ये ड्रेसीना खरीदूँ इस टाइप का, तो आज फाइनली मैंने खरीदा। अगली बार जो भी मैं खरीदूँगी मैं बताऊँगी। ये सब परिनियल प्लांट्स है इसीलिए ये ज़्यादा टिक भी जाता है। और मेरा घर टेरेस गार्डन है, ये मोस्टली फॉयलेज वाला गार्डन है जहाँ पे आपको पत्ते ही पत्ते दिखेंगे, और मुझे वही ग्रीनरी बहुत पसंद है। फूल के कुछ प्लांट्स मैं सीजनल प्लांट्स उतना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन रखती हूँ सिर्फ सुंदरता के लिए। लेकिन अगर कोई अचानक उसे मतलब उनका आँख बड़ा हो जाता है इतना ग्रीनरी देख के, और अगर बारिश का मौसम हो तो ग्रीनरी तो वाह, मतलब आप हर तरफ ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन देखें। इसलिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए गार्डनिंग फोलियजेस के साथ। Do like, subscribe to my channel. Thank you. See you again. Bye.